हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत बच्चों की ये जो थी बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, कंप्यूटर पे होगा या फिर OMR शीट पे होगा। तो ये बायस इसकी जानकारी हम आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, चंडीगढ़ हाउस, चंडीगढ़ ड्राइवर एंड कंडक्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, चंडीगढ़ की ड्राइवर एंड कंडक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है हैवी बस ड्राइवर का और कंडक्टर का, उसकी डेट जो है आ चुकी है, जो कि 16 जुलाई का एग्ज़ाम है। बस कंडक्टर का जो है वो 2.5 से 4.5 है, और बस ड्राइवर का जो है 2.5 से 4.5 है, और कंडक्टर का जो है वो 10 से 12 है। और रिपोर्टिंग टाइम आपको ड्राइवर के लिए 1:30 बजे है और कंडक्टर के लिए 9 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है। चंडीगढ़ में आपका एग्ज़ाम होगा, ये सबको पता लग गया होगा। लेकिन पेपर ऑफलाइन होगा या ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, इसमें बच्चों की बहुत क्यूरियोसिटी है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर मैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाता हूँ, तो पब्लिक नोटिस कंडक्टर की अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रोल करते हैं इसे, तो एग्ज़ाम उस पर चलते हैं कि एग्ज़ाम जैसे वो क्या होगा। तो जैसा कि सेंटर ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर बोला गया है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सिलेबस नीचे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। 2 पेपर में होगा जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 2 में ये क्वेश्चन था कंडक्टर के लिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन में अगर हम देखें, तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऐसा कहीं नहीं है कि CBT होगा टेस्ट। आपका यहाँ पर सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग द कैलकुलेटर इन हॉल फॉर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम मतलब आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन बेस जो है आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। OMR शीट पे आपका पेपर होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, OMR शीट फिल करेंगे, आपका पेपर भी रख लिया जाएगा, आपका पेपर भी वो रख लेंगे और OMR शीट भी वो रख लेंगे, दोनों आपके साथ जो है वो रख ली जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप घर आएंगे, इतना आप घर पहुंचेंगे, अपने घर पे आएंगे, इतना आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो पेपर है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा, OMR शीट पे पेपर होगा। तो ये क्यूरियोसिटी थी बहुत बच्चों के बारे में। और साथ ही जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, एनी एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल है। तो इसकी जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसकी प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, CTU कंडक्टर एंड ड्राइवर। तो CTU कंडक्टर एंड ड्राइवर पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं CTU के एग्ज़ाम जो हैं वो दिख जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे जो हमने यहाँ पर प्रिपरेशन करवा दी है, मिनी मॉक टेस्ट, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। मिनी मॉक टेस्ट हमने अभी यहाँ पर चला रखे हैं, जैसे कि अभी हमने मिनी मॉक टेस्ट लिया। लेटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो लेटेस्ट मिनी मॉक हमने मैक्स हमने 6 लिया था, आज जो है वो 7th होगा। तो ये जो है मिनी मॉक टेस्ट है, पूरी आपके पास जो है वो पूरी लिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही यहाँ पर CTU कंडक्टर एंड ड्राइवर की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के साथ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।